सुनी। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि बाबा साहब हमेशा पूजा पाठ का विरोध करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो काली मंदिर गए, तो इसके बारे में आप बताएंगे हमें? बाबा साहब जब काला राम मंदिर गए थे बाबा साहब, उससे पहले दलितों को, शेड्यूल कास्टों को, जो पद दलित थे उनको मंदिर में प्रवेश वर्जित था। तो बाबा साहब इसलिए अपने अनुयायियों को साथ लेकर के काला राम मंदिर गए थे कि उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए रास्ते खुल जाएं। और जब बाबा साहब ने वहाँ प्रवेश किया तो फिर और दूसरे मंदिरों में भी धीरे धीरे उनका प्रवेश होना शुरू हो गया। तो बाबा साहब ने पहल की थी मंदिरों में जाने के लिए, और फिर उसके बावजूद भी बाबा साहब ने लास्ट में ये कहा था कि भाई मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता है, जब ये लोग तुम्हें मंदिर में जाने नहीं देते हैं तो तुम मंदिर की बात ही क्यों करते हो, तुम्हें मंदिर से अलग रहना चाहिए, मंदिर से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो बाबा साहब ने कहा था कि बिल्कुल ही छोड़ दो मंदिरों में जाना, तभी तुम्हारा कुछ कल्याण हो सकता है, और तुम्हारा कल्याण करने वाला और कोई नहीं है, तुम खुद अपने स्वयं मालिक हो, तुम अपना कल्याण अपने आप ही कर सकते हो। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो इसीलिए बाबा साहब ने काला राम मंदिर में प्रवेश करने से और दूसरे अन्य मंदिरों में प्रवेश करने से सारे दलित समूह को मना कर दिया था। चलिए धन्यवाद आपसे हमारे चैनल से बात करने के लिए। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।